यहाँ इतने बड़े पेड़ में चढ़े हैं, ऐसे खेलता है। झूले उले सब लग गए हैं यहाँ, थोड़ी देर खोल देते हैं, आंसू भी निकल रहे हैं ठंड से। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज दिन की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। यहाँ पे गुन्नू बाहर ही रहती है, अंदर नहीं आती है। ही। 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 चलो बाय 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 बाय। गुन्नू ने भी बोल दिया है बाय। तो अब चलता हूँ अपने दुकान के लिए, अपने काम काज के लिए। रॉकी को सुबह में बांध दिया है यहाँ पे आराम से, क्योंकि नहीं तो ये दिन में भाग जाता है। इसलिए आज भी मौसम ऐसे ही है, रोज की तरह धूप आने वाली है। बारिश तो नाम नहीं हो रहा आजकल फिर भी। और जो उपराओं वाली जमीन जो थी उसमें बोया था, वो सब खत्म हो गया ऐसे ही। यहाँ पे भी रोज की तरह ओस पड़ी हुई है। आजकल मैं इसको ढका रहा हूँ ना ये पन्नी से, इतने बड़े बड़े पत्थर रखने पड़ते हैं तब जाके इसके ऊपर रुकता है ये। आज सुबह में ना श्रीमती जी ओ वहाँ घास लेने के लिए चली गई है, क्योंकि जो बरसात के दिनों में काटा था हरी घास वो सुखा के वहीं लूट लगाया था, तो अब उसको घर पे लेके आ रहे हैं। क्योंकि अब ठंड के दिन है तो गाय बकरी अब जो मांग है उसमें जाने लग गए हैं, तो इसलिए उसको लेके आ रहे घर, नहीं तो वो खा देंगे। ओ सामने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं श्रीमती जी लोग घास लेने के लिए। और घास जो लेके आनी है वो यहाँ से लेके आनी है, इधर से यहीं कहीं है इसके आसपास। पहुंच गया हूं दोस्तों अभी दुकान में। अब दुकान के जो भी काम है उनको करते हैं और अपनी ट्रेडिंग के लिए रेडी होते हैं और कल का लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं होता है नहीं होता है, कितना होता है। और ठंड आज बहुत ज्यादा है यार, ठंड के बारे हालत खराब हो गई, आंसू भी निकल रहे हैं ठंड से। तो चलो अभी काम करते हैं दुकान के। ग्यारह बज गए हैं और मार्केट पूरा साइडवेज हो गया है, प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे हैं, पूरा सेलर मार्केट आ गया है। मेरे को लगता है कि आज ऐसे ही रहेगा मार्केट में, क्योंकि दो तीन दिन बहुत अच्छा मूव दे दिया है मार्केट ने, तो अब थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, फिर उसके बाद दो तीन दिन के बाद फिर अच्छा मूव देगा। तो अभी फिलहाल मेरे को जाना है बागेश्वर मम्मी को लेके, गैस का वेरिफिकेशन करनी है, KYC करना है तो भारत गैस का, तो उसके लिए बागेश्वर जा रहे हैं। पहले तो घर चलते हैं फिर उसके बाद चलेंगे बागेश्वर। पहुंच गया हूं मैं भी अभी घर पे। यहाँ पे रॉकी बाधा ही हुआ है, चलो खोल देते हैं इसको, अभी थोड़ी देर खोल देते हैं, अपने आप घूमता है थोड़ी देर। खोल दिया है इसको भी, उसको पता ही नहीं चला। हाँ खोल दिया। और गुन्नू की हो रही है चुपड़ी चुपड़ी नहा धो के यहाँ पे। चलो अब खाने की तैयारी करते हैं, फिर जाते हैं मम्मी और मैं बागेश्वर। यहाँ पे ना बकरी के बच्चों को ना धूप सेकने के लिए ले आ रखे हैं, ये दो बच्चे हैं छोटे छोटे से, अभी थोड़े से बड़े हो गए हैं। रॉकी खेल रहा उनके साथ। रॉकी ना, रॉकी ना, रॉकी, ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलता है। पैर रख दिया उसने। रॉकी ना, इनको भी खोल देते हैं, इनको भी देते हैं कुछ खाना। रॉकी ना, रॉकी ना बाबू, रॉकी मार खा ले। हाँ ये ऐसे करता है। बकरी भी आ गई है हमारी, श्रीमती जी वो ले आ गए हैं इनको। चलो इनको भी उस साइड को, यहाँ को चराने के लिए वो करते हैं इनको। अभी मैं भी तैयार हो गया हूँ और मम्मी भी तैयार होगी है, और गुन्नू और गुन्नू की मम्मी यहीं पे हैं। गुन्नू के दोस्त आ गए हैं, राघव। हेलो राघव। मिन्नू भी आ रही है, मिन्नू भी आ रही है, एक चुटिया एंटीना वाली बना के है मिन्नू, ये ऐसे एंटी वाली चिन्ह बनाई है।
और रॉकी ने यहाँ पे खिलाड़ लगा रखा है कि सब जा रहे हैं मेरे को भी ले जाओ करके ना मीनू। हाँ चलो अभी तुम बुल्ली के साथ रहना। हाँ ठीक है, बुल्ली के साथ रहना और बकरी के बच्चों के साथ खेलना। हाँ और बकरी के बच्चे यहाँ अंदर बंद कर दिए हैं अभी। तो अभी हम भी चलते हैं मम्मी और मैं बागेश्वर के लिए। बागेश्वर पहुंच के यहाँ पे आजकल जो है मेले की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। यहाँ पे छोटी वाली कठपुल भी बन गई है, ये इधर वाली एक और एक यहाँ ऊपर से बनती थी वो जो कि इस साल नहीं बनी है, नीचे बड़ी पुल बन गई है ना इसलिए। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है और पार्थ नुमाइश में वहाँ पे झूले उले सब लग गए हैं यहाँ। तो इस बार उत्तरायणी का मेला होने वाला है 2-3 दिन के बाद। आज 11 तारीख तो 14-15 से स्टार्टिंग हो जाएगी। और कुछ इस तरीके से हो रहा है बागेश्वर का माहौल अभी। यहाँ पे बाजार का काम तो सारा हो गया है और अब मम्मी को यहाँ पे कुछ खिला रहे हैं, चौमिन बर्गर मोमो जो भी खा रही मम्मी। यहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट यहाँ पे खाते हैं, फिर इसके बाद खाना खा के फिर सीधे चलते हैं घर को। पहुंच गया हूँ दोस्तों अभी घर पे। मम्मी की हालत खराब होगी जाड़े के मारे ऐसे, और रोके ऐसे भौंक रहा ऊपर से, धक्के मुक्के लग रहे हैं मम्मी को जाड़े से, इतनी परेशान हो गई। श्रीमती जी वहाँ पेड़ में से सौ काट रही, इसका ऐसा चल रहा है। यहाँ इतने बड़े पेड़ में चढ़े हैं है? ये देखो मेरे वीडियो बनाने के लिए ऊपर चढ़ गया खाली। सात बज गए हैं और टाइम भी हो गया है घर जाने का। उससे पहले मेरे को जाना उस मोड़ पे, क्योंकि मेरी वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई है तो इसलिए उस मोड़ पे चलते हैं अभी। और आज ट्रेडिंग तो उतना खास हुआ नहीं, 3 ट्रेड लिए जिसमें कि 99 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट हुआ है और उससे ज़्यादा की ब्रोकरेज लगी है, 150 के आसपास ब्रोकरेज लगी है। तो यहाँ पे आज अकाउंट भी नहीं खुल रहा है। यू हैव डिडन हैव एनी पोजिशन यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को ये। फिलहाल चलते हैं उस मोड़ पे वीडियो अपलोड करने के लिए, फिर चलते हैं घर को। और जैसे कि आपको पता ही है आज मार्केट साइडवेज था तो इसलिए कुछ ज़्यादा उंगली किया नहीं। कल साइडवेज में पूरा कैपिटल जो है 7,000 का लॉस किया है। वीडियो अपलोड करके मैं भी पहुंच गया हूं पहाड़ी किचन में। आज ठंड हो रही तो श्रीमती जी के द्वारा आग नहीं जलाई गई, तो यहाँ पे खाना गर्म हो रहा है गैस में आज, तो मैं आग जलाता हूँ और खाने का आनंद लेता हूँ अभी। अभी खाना ना खा लिया है तो फाइनली कुछ इस तरीके से था आज का दिन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।